अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? इतना सब ठीक ठाक होंगे हमारे देखने वाले? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो अभी इस टाइम मैं कपड़ों पे प्रेस कर रही थी, रमज़ान के कपड़ों पे भी, अपने कपड़ों पे भी प्रेस कर रही थी। आज हमारा शाम को बाहर घूमने का प्रोग्राम है, तो इसे मैंने कहा कि कपड़ों पर प्रेस कर ली जाए। आप बताएं मेरा सूट कैसा लग रहा है यूट्यूब फैमिली? ये देखें अच्छा लग रहा होगा। इतना ना शर्ट प्रेस हो गई है, अभी शुरुआत करेंगे। चले अभी और कपड़ा भी प्रेस कर लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए मेरे सब कपड़े इस्त्री हो चुके हैं, ये देख लें, यहाँ पे भी सब फ्रेश हो चुके हैं। बस बीच में लाइट भी चली गई थी, इसलिए मेरे कपड़े रह गए। बस देखिए जल्दी सब कपड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मेरी शर्ट टंगी हुई है, ये प्रेस होके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी बाहर मैं कुछ सौदा लेने के लिए जा रही हूँ, परचून की दुकान पे जाना है, कुछ परचून की दुकान से सामान लेना है ना। अभी मैं सामान लेने आई हुई हूँ, अभी मैंने थोड़ा सामान लिया है। आज मैं दाल पकाऊंगी तो मैं दाल ले रही हूँ, और ये शाशा भी लिया है। सही है, चलो अभी घर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सौदा ले लिया है, मैं घर की तरफ आ चुकी हूँ। किचन में सामान रखूंगी, अभी मैं फिर दाल वगैरह चुनूंगी। आज दाल बनाने का मूड रहता तो मैंने दाल ले ली, बर्तन वगैरह से मतलब मैं दाल चुनना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने दाल वगैरह चुन के रख दिया चाले वाले में। और मैं क्या यूट्यूब फैमिली के लिए पहले मालूम कर दी जाए, आज मैं माछ की दाल बना रही हूँ। माछ की दाल बनाने का मूड हो रहा था, मैं माछ की दाल बना रही हूँ। और वैसे भी आज शाम को बाहर जाने का प्रोग्राम है हमारा, बाहर जाने का प्रोग्राम है। तो देखो कहाँ जाते हैं, अभी कोई डिसाइड नहीं है। शाम को रमजान आएंगे जब डिसाइड होगा। चलिए अब मैं अभी दाल चुन लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आ जाइए यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी लंच कर लीजिए, हम भी लंच कर रहे हैं। नन्ना आ जाओ, आप भी खा लो। दू एक चमचा अपन लहसुन का तेल डाल दिया, और यह नमक खाला लिया है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, यह चार गोश्त मसाला, फिर किसी मिर्चे नमक। जैसे मसाला भूनता फिर हम आपको ना दाल डालते रखते हैं। अभी अगर मसाले डाल दिए, मसाला जैसे भून जाएगा। अभी मैंने लंच करा, लंच करके मैंने क्या फौरन ही दाल बॉयल हो चुकी थी, दाल मैंने बॉयल करके यहाँ रखी थी। माछ की दाल में इस तरह बॉयल कर लेती है, फिर मसाला भून के फिर डालती है। इस तरह बनाओ तो बहुत टेस्टी और बहुत मजे की बनती है। मसाला भून चुका है, अब हम इसमें दाल डालते हैं। इसे दम पे रखेंगे, हमारी दाल रेडी है। जैसे मसाला दम पे आएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी दाल रेडी हो चुकी है, यकीनन आपको अच्छी लग रही होगी। बस में मसाला भुनना, झटपट पक जाती है हरी दाल। मैं छोटे वाले भाई के घर आई हुई हूँ अभी इस टाइम। भाई भी हमारी आज जा रही है वली में। मैं तो ये देखें, इनके ड्रेस हो गए इस्त्री हुए टंगे हुए हैं। ये हमारी मुन्नी के कपड़े टंगे हुए हैं, हमारी नन्नों के हैं, ये भाई के हैं। अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं आपके कपड़े। ये देखे मामा, ये नन्नो ने मेहंदी भी लगाई है। नन्नो सीधा हाथ करके दिखाओ, वाह जबरदस्त। आपने छुटा इतनी जल्दी क्यों दी? अच्छी लग रही थी इसलिए छुटा दी। नहीं भाई, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से भाई मेहंदी तुम्हारी मुन्नी की, खूबसूरत सी। मैं जब शादी में जाऊंगी जब लगाऊंगी। आज वली में मैं जा रही हूँ,
सही है, इंजॉय करना। ठीक है, ये देखो भाई इनकी मम्मा ने भी मेहंदी लगाई हुई है, अभी एक हाथ में लगाएंगी, खाना खा रही थी इसलिए अभी कह रही मैंने एक हाथ में लगाई है। इनकी मेहंदी भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। ये भाभी को इधर रुपट्टा रखा था, मैंने कहा चले ये भी रुपट्टा, आप कहेंगे कि इनके ड्रेसेस रुपट्टा नहीं था, ये रुपट्टा यहाँ रखा हुआ है, रुपट्टा भी प्यारा लग रहा है। तैयार होंगी ना तो फिर मुझे जरूर दिखाना। अच्छा ठीक है, जब का नई फ्रॉक पहनूंगी। चलो मैं घर जा रही हूँ, ठीक है, ओके। मिठू मिठू ए मिठू 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 ए मिठू, ये भी हमारे भाई के घर पे है मिठू। पहले बहुत सारे रखे हुए थे, ये सिर्फ दो ही हैं। फैमिली अभी मैं अपने छोटे वाले भाई के घर गई थी, बराबर में रहते हैं मेरे छोटे भाई, तो भाभी हमारी जा रही है शादी में, तो उनके घर पे चल रही तैयारी। उन्होंने कपड़े वपड़े प्रेस करें अभी, और अभी मेहंदी भी लग रही है उनकी, हमारी मम्मी ने भी मेहंदी लगाई है। तो मैंने कहा चलें भाई आप लोग अपनी तैयारी करें, मैं घर जाती हूँ, और मैं अब घर आ चुकी हूँ। घर पर आके थोड़ा सा काम देखा है, और मैंने कहा चलें सही है, अब आप लोग भी अपनी तैयारी करें, मैं अपने घर का काम करती हूँ। बराबर में रहती है हमारी भाभी, और मैं यकीन करती हूँ आज आपको हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। इसके साथ आलिया को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।